क्या हुआ गुरुदेव, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम कुछ दिनों से मूर्छा की अवस्था में थे, तो हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। नहीं, मुझे खोने का भय नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरा शिष्य तुलसी प्रभु श्री राम की भक्ति में खो गया है। क्या हुआ वत्स, उदास क्यों? प्रभु श्री राम की कथा संपन्न हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। बस इतनी सी चिंता है तुम्हारी, वो तो मैं अभी दूर किए देता हूँ। कल आश्रम लौटने पर मैं तुम्हें संपूर्ण श्री राम कथा सुनाऊंगा। किंतु गुरुदेव, यदि कल भी ऐसा हुआ तो? आपने राम कथा सुनाना आरंभ की और मैं फिर से राम धुन में खो गया तो? ऐसे तो मैं कभी प्रभु श्री राम की कथा सुन ही नहीं सकूंगा और ना ही समझ सकूंगा। फिर तो मुझे कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा और ना ही मैं अपने प्रभु श्री राम को जान पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी सहायता कीजिए। इस अंधकार में प्रकाश का रूप धारण कर मेरे नन्हे शिष्य तुलसी का पथ प्रदर्शन कीजिए। दीपक को भला प्रकाश ढूंढने की क्या आवश्यकता है? ना दीपेन अग्नि मार्गणम क्रियते। आप क्या कह रहे हैं विप्रवर, अपना आयशा समझाने की कृपा कीजिए। यही गुरुवर, दीपक को कभी अग्नि ढूंढने नहीं जाना होता, उसे तो बस प्रज्वलित होने की देर है। अग्नि का साथ तो उसे स्वतः मिल जाएगा। भक्त तुलसी भी उस दीपक के समान ही है, उसमें भक्ति की बाति तो पहले से ही है। बस उसे प्रज्वलित होना है तो फिर अपने आप भक्ति की ज्योति से वो अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि जब भी मैं इसे राम कथा का पाठ सुनाऊंगा, ये राम नाम के ध्यान में लीन हो जाएगा। तब तो इसे श्री राम कथा स्वयं पढ़ना होगा, जिसके लिए सर्वप्रथम वेद की भाषा संस्कृत सीखनी चाहिए। आप अपने शिष्य को पवित्र नगरी काशी ले जाइए, जहाँ ये योग्य आचार्य से संस्कृत भाषा का ज्ञान पा सके। मैं ऐसा ही करूँगा, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं कृतार्थ हुआ। हे जगत पिता, हे जगत माता, मैं आपको पहचान गया। अब आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। किसे प्रणाम कर रहे हैं? उदित होने वाले सूर्य देव को? हाँ शिष्य, क्योंकि आज सूर्य देव की पहली किरण तुम्हारे लिए एक सुनहरा संदेश है कि तुम आज ही अपने जीवन के उद्देश्य के और निकट पहुंचोगे। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, आपने तो कहा था हम अयोध्या लौटने वाले हैं। नहीं शिष्य, आज हम काशी जाएंगे। आओगे मेरे पुत्र, तुम कब आओगे मेरे पुत्र? भ्राता, 10 दिन हो गए भैया, अब और कितने दिन तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे? लगता है गुरुदेव ने अपना विचार बदल दिया, उन्हें आने में विलंब होगा। हम कब तक यहाँ रुके रहेंगे? जब तक देह है तब तक सशरीर मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा, शायद यही मेरे पापों का तक। पाप यदि आपने किया है भैया, तो उस पाप का भागीदारी मैं भी हूं। स्थिति को संभालने के स्थान पर
मैंने आपको सदा अपने पुत्र को त्यागने के लिए प्रेरित किया, किंतु अपने इस दोषी भाई को इतना तो करने दीजिए भैया, आपको घर ले जाकर श्रेष्ठ वैद्यों से आपकी चिकित्सा करवाने दीजिए। मैं वचन देता हूं, जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे मैं आपको आपके पुत्र से मिलाने यहां लेकर आऊंगा। मुझे अपने जीवन में ये अच्छा कार्य करने का अवसर तो दीजिए भैया। तो इस प्रकार एक ओर आत्माराम अपने भाई दीनदास के साथ अपने घर लौट गए, वहीं दूसरी ओर अपने गुरु के साथ तुलसीदास का आगमन हुआ काशी में माँ गंगा के पंच घाट पर। ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करना भी सौभाग्य है। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें उन गुरु से मिलवाऊंगा जो तुम्हें प्रभु श्री राम की महिमा का अर्थ और महत्व समझाएंगे और तुम अपने प्रभु श्री राम को पा सकोगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे मित्र श्री शेष सनातन संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हैं। तुम इनसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करोगे और मित्र शेष ये है तुम्हारा शिष्य तुलसी। तुलसी, नाम सुनकर ही इसकी भक्ति की महानता और इसकी भावी प्रतिष्ठा का बोध हो रहा है। आओ तुलसी, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। फिर उसी दिन से साहित्य और दर्शन के उस समय के महान ज्ञानी गुरु श्री शेष सनातन से तुलसीदास ने संस्कृत भाषा सीखनी आरंभ की और साथ ही चारों वेद, छहों वेदांग और ज्योतिष विद्या का अध्ययन गुरु नरहरिदास की देखरेख में आरंभ किया। तुलसीदास की ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया 15-16 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही। जितना ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था वो मैं तुम्हें प्रदान कर चुका हूँ। मुझे गर्व है कि जीवन भर का संचित ज्ञान तुमने शीघ्र ही सीख लिया। गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वत्स तुलसी, आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। प्रणाम गुरुवर, समय हो गया है, सभी आपके मुख से राम कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ वत्स, हमारे साथ चलो। भक्तगण, आज मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं राम कथा का पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि आज ये महान कर्तव्य मेरा प्रिय शिष्य तुलसी निभाएगा।
क्योंकि वत्स तुलसी, जिस प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति मैं करता हूं, उसी प्रकार दास भाव से प्रभु की भक्ति तुम भी करते हो। इसलिए आज से तुम मात्र तुलसी ही नहीं, अपितु तुलसीदास के नाम से जाने जाओ, तुलसीदास के नाम से जाने जाओ। श्री गणेशाय नमः। जय सियाराम। जय सियाराम। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनयश्रुतः, नियतात्मा महावीर द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीति मानवागमी श्रीमान शत्रु निबहण। इधर तुलसीदास जी प्रथम बार रामायण का पाठ कर रहे थे और उधर उनके पिता आत्माराम अपनी अंतिम श्वास ले रहे थे। मेरा अंतिम समय आ रहा, मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ ही चली गई। मैं सशरीर अपने पुत्र को देखने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगा। क्षमा करना भैया, मैं अपने इस कर्तव्य को नहीं निभा सका। सबको दोष मत दो दास, जो हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। शायद वो उसके भाग्य में था जिसने हमसे उसको दूर कर एक महान गुरु से उसको मिलवा दिया। मुझे लगता है वो अवश्य एक महानतम पद पर है। हाँ भैया हाँ, उसकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है मैंने, संस्कृत का प्रकांड पंडित हो गया है वो। मैं उसे राम कथा पढ़ते देख रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यदि यही कि मेरा पुत्र राम कथा का पाठ कर रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया भैया 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 भैया, मैं आपको आपके जीवन आपके पुत्र से नहीं मिला सका, किंतु अब अपनी भूल सुधारने के लिए और उससे क्षमा पाने के लिए आपको और प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। अति सुंदर, कितनी सुंदर वाणी है आपकी। श्री राम की कथा का भाव रस, वाह आनंद आ गया प्रभु। तुलसीदास जी, आज आपने अपने गुरुओं का मान बढ़ा दिया, आपके शब्दों ने हमारे मन में भक्ति भाव भर दिए। आपके शब्दों से मैं कृतज्ञ, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। और फिर दीनदास अपने भाई को दिए वचन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद काशी के लिए निकल पड़े।
जिससे वो वहां पहुंचकर तुलसीदास को उनके पिता के बारे में बता सकें और आत्माराम के लिए उनके पुत्र से क्षमा याचना कर सकें। मुझे तो यही आशा है कि वो मुझे और अपने पिता को क्षमा कर सकेंगे। जो हुआ उसमें मेरा दोष अधिक था, इसलिए तुलसीदास से मैं क्या कह सकूंगा भला। मैं चाहता कि वो मेरे साथ लौट चल और उसके पिता की सारी संपत्ति, सारा धन उसे सौंप दूंगा। आवत ते हर्षयन नैनन नहीं सने तुलसी तहां ना जाई कंचन बरसे में। जहां आपके प्रति किसी के भी नेत्र में स्नेह ना, वहां कितनी भी धन वर्षा क्यों ना, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वत्स तुलसी, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे पूर्ण कर ही व्यक्ति पितृरंड से मुक्त हो सकता है। उनका विधिवत पिंड दान कर तुम्हें तर्पण करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव, यदि मैं अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं करूंगा तो मेरे ईश्वर मुझे मेरे उद्देश्य तक कैसे पहुंचाएंगे। जो आवश्यक विधि है वो करो और अपने पिता को क्षमा कर उन्हें मुक्ति दो। क्या तुमने मुझे वास्तव में क्षमा कर दिया पुत्र? परंतु आपने क्षमा करने योग्य तो कोई कार्य किया ही नहीं। जो भी हुआ वो विधि का विधान था जिसने मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार इस पथ पर चलकर अपने लक्ष्य अपने ईश्वर को प्राप्त कर सका। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। समय दिखाई नहीं देता किंतु बहुत कुछ दिखा जाता है, इसलिए व्यक्ति को समय रहते सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।